अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है आज और बहुत बिजी डे होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जिस दिन मैं जल्दी सुबह उठ जाऊँ और उस दिन मैं नाश्ता बहुत लाइट करती हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। वैसे अगर मैं हैवी नाश्ता कर लूँ लाइक पराठा कुछ और इस तरह का भारी कोई ऐसी हैवी चीज़ खा लूँ तो जी मेरा पूरा दिन, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, जैसे बीपी लो हो रहा है, अजीब सी फीलिंग होती है। तो मुझे नज़र आते हैं एप्पल्स और मैंने यहाँ पे एप्पल्स का जूस बनाना था, वो मैंने बनाया और साथ ही मेरा मीठू पीछे रहे ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि ये भी मेरे साथ उठ गया था सुबह सुबह। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी एप्पल जूस बनाया और ख़ुद भी पिया और मामा को भी दिया क्योंकि मामा भी मेरे साथ उठी थी आज क्योंकि बहुत बिजी डे था। तो आज मैं सारी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज कैसे बिजी डे था हमारा और क्यों था। तो यहाँ पे जो है मेरे फैशन नहीं ख़त्म होते, मैंने कहा कि मैंने आपको अच्छी चीज़ में बताया अपनी वीडियो शो करें ना। तो यहाँ पे मैंने अपने प्यारे से जग से प्यारे प्यारे ग्लासेस में जूस ऐड किया, डाला और फिर मज़े से इस जूस को पिया। बहुत ही मज़े का है और आजकल एप्पल्स जो हैं वो बहुत फ्रेश आ रहे हैं और जूसी आ रहे हैं और लाजमी आप लोग भी ट्राई कीजिए। लो जी, इतने में नीचे बेल होती है और मैं नीचे जाकर देखती हूँ तो पार्सल वाला आया हुआ था, कुरियर वाला। तो मैंने पार्सल रिसीव किया और भाई से पूछा, भाई क्योंकि ऑफिस जा चुके थे उस टाइम तक, तो उसका पार्सल इसने क्या क्या मंगवाया हुआ है। तो जी इसने आउटफिटर से कुछ अपनी शर्ट्स और पैंट्स वगैरह मंगवाई थी तो वो एक्चुअली जा चुका था ऑफिस, तो उन्होंने मुझे कहा कि देख लेना ना पैंट्स। तो मैंने जब देखी तो मुझे ये जो ब्लू वाली है मुझे लगा ये डैमेज पीस आ गया। अब मैं परेशान के नीचे वो खड़ा हुआ पैसे मांग रहा है और अब मैं कहूँ कि उसको मैं कैसे वापस करूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने एक डैमेज जो है ना पैंट दे दिया है तो अब मैं आपको कैसे पैसे, कहते हैं ये तो मेरा काम नहीं है, आप जो है कंप्लेन करें इनके इनकी ब्रांच पे कंप्लेन करें, मैं तो जस्ट कॉरियर वाला हूँ, मैं चीज़ें इधर से उधर पहुँचाता हूँ। तो मैं देख रही थी कि यार इसकी जितनी डैमेज पैंट इन्होंने कैसे दे दिया, मैं परेशान हो रही थी और साथ में भाई को भी परेशान कर रही थी कॉल मैसेजेस पे। तो मैंने कॉल इसलिए उनके भाई की रिसीव नहीं की कि मैं उन्हें वीडियो कॉल करके दिखाऊँ क्योंकि मैं बना रही थी यहाँ पर व्लॉग अपना और यहाँ पे मैं इनकी पार्सल की जो वीडियोस थी वो बना रही थी। तो जी मैं परेशान हो गई, फिर मैंने उससे बेचारे को तो पैसे दे दिए, मैंने कहा अगर रिटर्न करवाना पड़ा तो इनके आउटलेट पे जाके रिटर्न करवा लेंगे नहीं तो फिर इनकी ऑनलाइन जो पॉलिसी है उससे चेंज करवाएंगे। फिर मैंने कहा जल्दी से मैं शर्ट देखूँ और दूसरी पैंट देखूँ वो ठीक है, हाँ ये ब्लैक वाली पैंट मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये बिल्कुल ठीक थी। तो मैं भी इसको वैसे ही देख रही थी जैसे उनके ऊपर डैमेज थी, ये जैसा नीचे पांचों पे और इसकी पीछे पॉकेट्स पे और जो ऊपर इसकी वेस्ट होती है उस पे ना, वो ब्लू वाली तो डैमेज थी लेकिन ये वाली बिल्कुल ठीक थी, ये डैमेज नहीं थी। तो मैं बहुत परेशान थी। तो जी जब भाई घर आए और भाई परेशान थे, कहते दिखाओ ज़रा मेरी जो पैंट डैमेज आई है वो कैसी आई है ना ज़रा मैं देखूँ। जब मैंने उन्हें दिखाई तो वो हंस हंस के कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो। तो मैंने कहा है अल्लाह मैं कहाँ से पागल हूँ। तो आगे से कहते हैं ये डैमेज नहीं है अल्लाह की बंदी, ये एक फैशन है, ये डिज़ाइन है। तो मामा भी हंसे और सब घर वाले हंसे, कहते हैं कि तुमने पूरा दिन हमें परेशान किया। फाइनली अल्लाह का शुक्र सब कुछ ठीक था। सुनो, मोहब्बत में सिर्फ पैसा और ज़रूरत पूरी करना लाजमी नहीं है, अगर तुम वक्त इज्जत और अहमियत नहीं दे सकते तो सब कुछ बेकार है। या आप एग्री करते हैं कि नहीं? तो हमने मशीन लगाई थी मैंने और मामा ने, तो जब मौसम देखा तो मौसम बहुत ख़राब था फिर हमने मशीन लगा रखी थी। तो फिर हमने आज बारबेक्यू किया, मैरिनेट किया चिकन को, तो और फिर हमने बारबेक्यू किया क्योंकि आज हमारे घर आ रहे थे गेस्ट। तो फिर मैंने और मामा ने मिलकर सारे डिनर की तैयारी की और बस बहुत बिजी डे था और सब कुछ बहुत अच्छा गया। फाइनली खाना वगैरह लग गया था, गेस्ट आ चुके थे। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा सब, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।